आज अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सूदखोरों से परेशान एक व्यक्ति ने अपनी बीवी व बच्चे के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति जिलाधिकारी से मांगी। जानकारी देते हुए पीड़ित गुलशन पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम सिहावली छर्रा अलीगढ़ ने बताया कि अमित कुमार नामक एक व्यक्ति गंगा अपार्टमेंट चितरंगी लाल कॉलोनी स्वर्ण जयंती नगर से, जो कि मेरा परिचित था, एक लाख एक बार में 2018 में लिया था, जिसके बाद एक लाख 50,000 2021 में लिया। टोटल 2.5 लाख रुपए 3% के ब्याज पर मैंने लिए। अमित कुमार ने यह पैसे मुझे मेरी बीवी के जेवर गिरवी रखने के बाद दिए। 7 तोले सोना, हार, बुंदे, झुमका, झाली, झल्ले, अंगूठी वगैरह मैंने गिरवी रखा था सुनार के यहाँ से उठाकर, जिसकी मेरे पास रसीद है अमित कुमार पर, जिसके एवज में उसने मुझे पैसे दिए। लेकिन अब मैं 4,39,000 वापस कर चुका हूं, जिसका ब्यौरा मेरे पास लिखित में मौजूद है। 1,25,000 अमित कुमार ने खाते में बैंक से ऑनलाइन डाले, बाकी के पैसे मैंने अलग अलग बैंकों से कर्जा लेकर जनसमूह वाली में डाले, उनकी भी मेरे पास लिखित मौजूद है। अमित कुमार को दिया जिससे वह मेरे जेवर वापस कर दे। वह मुझे आश्वासन देता रहा, लेकिन अब वह बेईमानी कर रहा है और मेरी बीवी का जेवर वापस नहीं दे रहा है, जो कि 7 तोले है, और अपने ही 2.5 लाख रुपए मुझ पर, और बता रहा है ब्याज। बोलता है मैंने तेरी बीवी के जेवर वापस नहीं करूंगा और तुझसे ब्याज के पैसे और लूंगा, 10% ब्याज के हिसाब से, और मुझे धमकी देता है कुछ भी कर कैसे भी मेरा ब्याज पैसा मुझे लौटा दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलहसन है। गुलहसन जी, क्या घटना क्रम हुआ? अब एक आदमी मुझे जो है, मैंने उससे पैसे लिए थे, मैं उसको पूरे पैसे अदा कर चुका हूँ और वो मेरी चीज भी नहीं दे रहा। और क्या नाम है आदमी? अमित नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला? ये कुंहार रहता है, गन्ने जयंती नगर में। अच्छा, क्या घटना क्रम हुआ? वो मुझे चेक भर के मेरे पास, मेरा ब्लैंक चेक है उसके पास, और मुझे ये कहता है 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए चेक भर के फिर कोर्ट में डाल दूंगा, फिर सजा करा दूंगा। मैं अपनी अपनी चीज़ मांगता हूँ तो देता नहीं है, ये कहता है कि अभी तो पैसे बाकी बचे हैं। चीज़ में क्या क्या है आपको? अब झुमकी है, घर की चीज़ है, अंगूठी वगैरह, हार वगैरह, वो मेरी चीज़ नहीं है, रिश्तेदारों की चीज़ है, मेरी माँ की चीज़ है। आज आप क्या मांग लेकर के आए हैं? अब मैं तो डीएम साहब के पास आया हूँ, बस मैं अपने परिवार सहित मरना चाहता हूँ। मुझे मरना आया, मुझे पिछले घंटा में बहुत परेशान आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं है, मैं कर्जा दे लेके उसको पैसे दिए हैं, वो कर्जदार भी मेरे पास आते हैं। आप कितना रुपया वापस कर चुके हो? कितना लिया? 4.5 लाख रुपये करीब से दे चुका हूँ। लिया कितना था आपने? मैंने 1 लाख और 1.5 लाख रुपये लिया था मैंने इससे। आपकी किससे मुलाकात हो पाई अब तक? मेरे डीएम साहब से बात हुई थी। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा कि आपके साथ में इंसाफ होगा, और कोई कदम नहीं उठाएं। और किससे मिले हैं आप? उन्होंने एसएसपी साहब के पास भेज दिया। एसएसपी साहब का क्या कहना है? एसएसपी साहब कह रहे हैं कि आप घबराए मत, आप कोई कदम नहीं उठाएं और जो है तुम्हारे साथ में इंसाफ होगा, और उन्होंने आने के लिए बोल दिया है, फोन कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने दूसरों से कर्जा ले लेकर उसको पैसा दिया है, मैं उससे भी घिरा हुआ हूँ, मेरे पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरे, अरे वो मेरी जो है चीज़ देते मुझे। अगर वो आपकी मांग पूरी नहीं होती उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अब मैंने बता दिया डीएम साहब को, मैं अपने बच्चे सही खुशी करूँगा, क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा, अकेला मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा? वो मेरे बच्चों को परेशान करेगा, इसलिए ना मेरे बच्चे होंगे ना मैं होऊँगा, तो कोई बात ही नहीं होगी। आज आप कहाँ पर आए?